मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धनलक्ष्मी ज्योतिष में। आज हम आपको एक विशेष उपाय बताएंगे। उन लोगों के लिए ये उपाय है जिनके रिलेशंस में प्रॉब्लम आती है, विशेष करके पति पत्नी का रिलेशन हो या प्रेमी प्रेमिका का रिलेशन हो, उसमें आपको बाधा आती है। वैसे तो देखिए, शादी के बाद थोड़े बहुत झगड़े और बात कहाँ सुनी तो होती रहती है, और इसके लिए कोई उपायों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे जैसे समय निकलता है हम बात को भूल जाते हैं और फिर हम नया जीवन शुरू कर देते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते जो होते हैं उनमें मधुरता खत्म ही हो जाती है बिल्कुल, धीरे धीरे करते करते कई बार तो तलाक तक की नौबत आ जाती है। हर बात पे चिड़चिड़ापन आने लग जाता है। पति अगर कोई भी बात कहेगा पत्नी को तो वो उसमें बिल्कुल नकारात्मकता दिखाएगी, ना करेगी, और पत्नी यदि कोई बात कहेगी तो पति उसमें इनकार कर देगा। और इस रिलेशंस को धीरे धीरे हम इतना परेशानी भरा बना लेते हैं, इतना कठोर बना लेते हैं कि हमें लगता है कि हम साथ तो रह ही नहीं सकते, इससे अच्छा तो हम दूर हो जाएं, तभी हमें सुख मिलेगा। अब उसके लिए बहुत से ग्रहों की स्थिति कुंडली में खराब हो सकती है, देश काल जो कि परिस्थितियाँ खराब हो सकती हैं। जहाँ हम रहते हैं वहाँ का वातावरण हमें सूट नहीं करता, वहाँ के लोग हमें सूट नहीं करते, कोई मानसिक दोष हो सकता है, कोई परेशानी हो सकती है, पितृ दोष हो सकता है, वास्तु दोष भी हो सकता है, बहुत सी परेशानियाँ हो सकती हैं। परंतु एक ही समाधान बताऊँगा उसका, चाहे वास्तु दोष हो, चाहे ग्रहों का दोष हो, चाहे नजर दोष हो, पितृ दोष हो, या जहाँ पर आप रह रहे हैं उस एरिया जो है आपका, वहाँ पर कोई नेगेटिव कोई ऐसा बिल्डिंग्स है, हॉस्पिटल के पास आप रहते हैं, मंदिर के पास आप रहते हैं, जिसकी एनर्जी जो है वो आपको सूट नहीं कर रही है, बहुत से कारण होते हैं। बस एक ही उपाय बताऊँगा, ये उपाय बड़ा ही आसान है और बड़े लोगों को मैंने बताया भी है और बड़े लोगों को उसका फायदा भी हुआ है। मित्रों, मैं थोड़ा साधारण भाषा में बोलता हूँ, बहुत कोई शास्त्रीय भाषा मुझे नहीं आती है, तो सिंपल भाषा में बता रहा हूँ आपको, आराम से सुने। शुक्रवार का दिन होना चाहिए, पति और पत्नी दोनों में से ये कोई भी उपाय कर सकता है। सफ़ेद जो हम घर पर चावल खाते हैं, एक तो आजकल ब्राउन चावल चल गए हैं, कई तरह के चल गए हैं, सफ़ेद चावल जो पहले हम बनाते थे जो खीर में डलते हैं, वो वाले चावल लेने हैं आपको 400 ग्राम, मात्रा 400 ग्राम ही लेनी है, और उसे उबाल लेना है, पानी बॉइल्ड कर लेना है, बॉइल करके उसको पानी में से निकाल करके अच्छे से किसी परात में रख लें, उसको सुखा लें, थोड़ा ठंडे होने पर जो चीनी होती है हमारी, बूरा चीनी जिसे बोलते हैं, बारीक वाली देसी खांड होती है एक उसमें, ठीक है, देसी खांड ले आएँ और उसको आप उन चावलों के ऊपर लगा दें, थोड़ा सा उसके अंदर इत्र या गुलाब के फूल लगा दें। दिन शुक्रवार का ही होना चाहिए, ये ध्यान रखें, और ये जो समय है शाम का 4-5 बजे के बाद का होना चाहिए। अब ये चावल बना करके आपने अपने घर में रख लेने हैं, बैठ जाना है, अगर तो पति पत्नी दोनों इस झगड़े को निपटाना चाहते हैं तो दोनों वहाँ बैठ जाएं, उसको नीचे रख लें, कोई लकड़ी का पट्टा या चौकी ले ले, उस पर रख दें और प्रार्थना करें अपने इष्ट से, शुक्र देव से, और जो भी आपके पितर हैं, देवी देवता हैं, सबसे प्रार्थना करें कि मेरे पारिवारिक जीवन में, हमारे गृहस्थ जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा आ रही है, कोई भी प्रकार का कष्ट आ रहा है, हमें नहीं मालूम कि वो ग्रहों का दोष है, किसी का किया कराया है, नज़र दोष है, वास्तु दोष है, आप ये भेंट स्वीकार करें और इसे आप हमारे जीवन से दूर ले जाएं, क्लेश को परेशानियों को दूर ले जाएं। ऐसा कहते हुए पति पत्नी के ऊपर से इसे 7 बार घुमा लें सीधा, और पत्नी पति के ऊपर से इसे 7 बार घुमा लें सीधा, और फिर इसे एक सफ़ेद रंग के कपड़े में डाल करके, इसकी पोटली बना करके ऊपर से आप वाइट रंग के धागे से उसे बांध दें, टाइट कर दें, और अब आपको इसे ले जाकर घर से बाहर ले जाना है।
ले जा करके आप इसे जल प्रवाह भी कर सकते हैं, ताकि वहाँ की जो छोटे जीव होते हैं, मछलियाँ होती हैं आदि, उनके काम आ जाए खाने के। या आप इसे ले जा करके इस मीठे चावलों को गाय को भी खिला सकते हैं। गाय हो तो सफ़ेद रंग की गाय हो, और गौशाला में जा करके जहाँ पर वो भोजन बनता है उनके लिए स्पेशल जो चूरी वगैरह और मिक्स करके बनाते हैं, वहाँ उसमें डाल दें, या उनको कह दें कि ये गाय को खिला दें, या स्वयं खिला दें अपने हाथ से, तो बहुत ही अच्छा। ये उपाय आपको हर शुक्रवार करना है, और 5 शुक्रवार तक लगातार करना है। पति पत्नी के झगड़े, किया कराया दोष, मानसिक तनाव, किसी भी प्रकार का झगड़ा, तू तू मैं सब बंद हो जाएगी। बस इस उपाय को श्रद्धापूर्वक करना है, और पत्नी ये ख्याल रखे कि जिस समय करना है उस समय वो बिल्कुल कोई मासिक धर्म वगैरह उसको ना आता, वो अगर वो है तो उस समय ये उपाय पति कर ले अकेला, या उस उपाय को नेक्स्ट जो है शुक्रवार को कर ले, तो कोई दिक्कत नहीं है। करना 5 बार है, और इसको 5 बार लगातार भी करने की आवश्यकता नहीं है, हर महीने में 1 बार भी आप कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार से आप इसे शुरू कर सकते हैं, और हर बार आप महीने में 1 बार उसे कर दिया करें। तो ऐसा करने से आपके गृहस्थ जीवन में आ रही परेशानियां दूर होती हैं। मित्रों, अधिक जानकारी के लिए आप अपनी और अपनी पत्नी की कुंडली हमें भेज सकते हैं, हम उनका डीप एनालिसिस करके आपको विशेष उपाय भी बता सकते हैं, रतन स्टोन आदि भी बता सकते हैं, और कुछ हमारे पास विशेष प्रकार की मणियां होती हैं गृहस्थ जीवन को ठीक करने के लिए, उसको भी हम रिकमेंड कर सकते हैं अगर आवश्यकता हुई तो। तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पंडित रोहित शर्मा यदि आप लिखेंगे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो हमारा पेज भी आ जाएगा, उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी हम नए नए उपाय और अपडेट्स देते रहते हैं ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित। जय माता दी, धन्यवाद, शुक्रिया।